तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसर के एस्पायर 3 लैपटॉप को। एसर एस्पायर 3 सीरीज में दो लैपटॉप्स आते हैं। पहला ये 15.6 इंच डिस्प्ले वाला वेरिएंट है, जिसका फुल रिव्यू वीडियो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस नए 14 इंच वाले वेरिएंट को डिटेल में देखने जा रहे हैं। एसर ने इस छोटे से लैपटॉप में काफी ज्यादा स्पेक्स को भर दिया है, तो फुल टेस्ट करना ही होगा कि कहीं कोई कॉस्ट कटिंग तो नहीं है। ऊपर से ये लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ एसर की ब्रांडिंग दी गई है। डिजाइन वाइज ये लैपटॉप काफी कॉम्पैक्ट और क्यूट सा दिखता है। अभी हमने इसे एक नॉर्मल 15.6 इंच वाले लैपटॉप के ऊपर रखा है, तो आप देख सकते हैं कि साइज वाइज दोनों लैपटॉप्स में कितना फर्क है। अलग अलग लाइट कंडीशन में ये लैपटॉप अपना कलर चेंज करता है। नेचुरल डे लाइट में ये डार्क सिल्वर कलर का दिखता है और लो लाइट होने पे ये ब्लैक कलर का दिखता है। अभी हम इस लैपटॉप को वेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप काफी फास्ट है और लिड उठाते ही वेक हो जाता है। इसका बूटिंग टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम है और ये सिर्फ 5 से 6 सेकंड्स में बूट भी हो जाता है। इसमें हमें 14 इंच का IPS डिस्प्ले मिल जाता है। ये एक फुल HD पैनल है, जो कि एंटी ग्लेयर कोटिंग और 45% NTSC कलर गैमेट के साथ आता है। IPS डिस्प्ले होने की वजह से हमें इसमें 170 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल मिल जाता है और इसके साइड बेजल्स भी बहुत ही कम हैं, जिससे कुछ भी देखने पे काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। इस डिस्प्ले के कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और पिक्चर क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ स्क्रीन बबल भी काफी कम है और इसमें हमें 180 डिग्री वाला हिंज भी मिल जाता है, जिससे आप लैपटॉप को कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले के जस्ट ऊपर सेंटर में हमें 2 मेगापिक्सल्स का वेबकैम मिल जाता है, जो कि बिल्ट इन प्राइवेसी शटर के साथ आता है, और आप साइड में दिए गए स्लाइडर स्विच के हेल्प से शटर को स्लाइड भी कर सकते हैं। इस बार एसर ने कैमरा के ऊपर प्रोटेक्टिव लेंस दिया है। प्रीवियस सीरीज के लैपटॉप्स में इन्होंने लेंस ही नहीं दिया था। नीचे कीबोर्ड को देखें तो हमें यहाँ कॉम्पैक्ट साइज वाला 10 कीलेस कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि 84 कीज के साथ आता है, और कीबोर्ड की क्वालिटी और टाइपिंग फील भी सही है। हमारे पास ये बैकलिट कीबोर्ड वाला मॉडल है, तो फंक्शन की और F4 की को साथ में दबा के आप इसके बैकलाइट को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ हमें बैकलाइट के 2 लेवल्स मिल जाते हैं और आप बैकलाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे लो लाइट वाले एनवायरनमेंट में ये बैकलाइट काफी यूजफुल होता है। यहाँ नीचे इसका बड़ा सा ट्रैकपैड भी दिया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड लेफ्ट और राइट बटन्स के साथ आता है, पर ट्रैकपैड की क्वालिटी एवरेज से ही है, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस के लिए एक माउस का यूज करना ही होगा। ऊपर राइट साइड में इसका पावर बटन दिया गया है और लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का पावर ऑन इंडिकेटर, कैप्स लॉक इंडिकेटर और टच पैड ऑफ इंडिकेटर दिया गया है। कीबोर्ड के साइड्स में हमें डॉटेड पैटर्न में ऐसा डिजाइन दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ डिजाइन ही है, कोई स्पीकर वेंट नहीं है। नीचे से ये लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ नीचे ऊपर प्रॉपर रबर पैडिंग्स दिए गए हैं। हीट डिसिपेशन के लिए काफी बड़ा सा वेंट एरिया भी दिया गया है, पर यहाँ सिर्फ लेफ्ट साइड में ही इस जगह पे एक कूलिंग फैन दिया गया है, बाकी आसपास के सारे वेंट्स फेक हैं। ये कूलिंग फैन नीचे से हवा को खींचकर कीबोर्ड के जस्ट ऊपर दिए गए इन कॉपर वेंट से ब्लो करता है। लैपटॉप के हीट मैनेजमेंट को देखें तो इस लैपटॉप में कोई भी ओवरहीटिंग इशू नहीं है, पर इसका कूलिंग फैन थोड़ा भी हेवी टास्क करने पे ऑन हो जाता है और जल्दी से लैपटॉप को कूल करने की कोशिश करता है, तो लाइट एडिटिंग या गेमिंग करने पे आपको थोड़ा सा फैन नॉइज फील होगा। नीचे दोनों साइड्स में हमें कुछ ऐसे स्पीकर वेंट्स दिए गए हैं। वैसे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी तो अच्छी है, पर इनका डिफॉल्ट साउंड आउटपुट काफी लो है, लेकिन इस लैपटॉप में रियल टेक ऑडियो कंसोल नाम का ये एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आप इसमें जाके ये ओमनी साउंड इफेक्ट ऑन कर लीजिए और इक्वलाइजर को रॉक पे सेट कर दीजिए। इससे स्पीकर का साउंड आउटपुट डबल हो जाएगा और स्पीकर्स अच्छे से वर्क करेंगे। इसके पोर्ट्स को देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमें चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट मिल जाता है और ये पोर्ट USB PD को सपोर्ट करता है। एक USB 3.2 वाला Type-A पोर्ट, HDMI पोर्ट, एक और Type-C पोर्ट जो कि SS यानी सुपर स्पीड वाला पोर्ट है, और ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, और आप इस Type-C पोर्ट से लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर LED भी दिया गया है, जो कि लैपटॉप चार्ज होने पे रेड कलर में ग्लो करता है। राइट साइड में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ब्लैक कलर का USB 2.0 वाला Type-A पोर्ट, एक और USB 3.2 वाला Type-A पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक और K लॉक मिल जाता है। अब हम लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हमें इंटेल कोर i3 1215U प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 12th जेनरेशन का 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, और ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है।
ये 1.2 GHz के बेस फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और मैक्सिमम 4.4 GHz तक जा सकता है। हमारे टेस्टिंग में ये 4.03 GHz तक जा रहा था, तो इस थिन एंड लाइट बॉडी में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ हमें 8GB का DDR4 RAM मिल जाता है जो कि 3200 MHz के क्लॉक स्पीड के साथ आता है। यहाँ एक स्लॉट में 8GB का RAM स्टिक लगा हुआ है और दूसरा स्लॉट खाली है। आप इसके RAM को 64GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, तो फ्यूचर में RAM को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसमें WD का 512GB वाला Gen 4 NVMe SSD लगा हुआ है। यहाँ हमें 512GB में से 430GB का यूजेबल स्पेस फ्री मिलता है। हमने इसका स्पीड टेस्ट भी किया तो हमें कुछ ऐसा स्पीड मिला। ये WD ब्रांड का SSD काफ़ी अजीब सा होता है। शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड देता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक अपना स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता है और स्पीड ड्रॉप करता है, तो फ्यूचर में ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, पर उससे लैपटॉप के परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इसमें हमें इंटेल का अपना USD ग्राफिक्स वाला GPU मिल जाता है। हमने इस पे कुछ बेंचमार्क्स को भी रन करके चेक किया तो सिनीबेंच R23 में मल्टी कोर और सिंगल कोर में कुछ ऐसा स्कोर मिला, और Geekbench रन करने पे सिंगल कोर और मल्टी कोर का स्कोर कुछ ऐसा था और Geekbench OpenCL स्कोर ये रहा। तो परफॉर्मेंस वाइज लैपटॉप का स्कोर काफ़ी अच्छा है और लैपटॉप चलाने में भी काफ़ी स्मूथ लगता है। इस लैपटॉप में हमें विंडोज 11 होम एडिशन मिल जाता है और ये आपके डेली टास्क को आराम से हैंडल कर सकता है। इस लैपटॉप के साथ हमें कुछ इस तरह का 65 वाट्स वाला PD चार्जिंग एडेप्टर मिलता है जो कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, और एडेप्टर को पावर देने के लिए नॉर्मल 6 एम्पियर वाला 3-पिन प्लग दिया गया है। यहाँ हमें इस लैपटॉप में 45.6 वाट आवर वाला लिथियम आयन बैटरी दिया गया है जो कि छोटे स्क्रीन की वजह से 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। लैपटॉप के साथ आपको ये McAfee LifeSaver ऐप प्री इंस्टॉल मिलेगा, इसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इसे रन करने से आपका लैपटॉप पूरा स्लो हो जाएगा, इसलिए इसे अनइंस्टॉल करना ही सही रहेगा। इस लैपटॉप में आपको PD चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, पर इसे चार्ज करने के लिए आपको मिनिमम 65 वाट का PD चार्जर ही चाहिए। अभी हम सैमसंग के इस 25 वाट वाले PD पावर बैंक से इसे चार्ज करके देख रहे हैं, तो ये चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि 25 वाट के चार्जर या पावर बैंक में इतना हाई करंट आउटपुट नहीं है जिससे ये लैपटॉप चार्ज हो पाए। इसके कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट को देखें तो इसमें हमें वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, तो वायरलेस कनेक्टिविटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन पैक भी फ्री मिल जाता है। ओवरऑल ये लैपटॉप अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और सारे मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है, और आप इसे ले सकते हैं। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर आंसर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।